नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 5 मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद कई मुकदमों में पैरवी तेज हो गई है। लगभग 33 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले की केस डायरी से फॉरेंसिक रिपोर्ट लापता हो गई है। केस ट्रायल के दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट की मूल प्रति नहीं होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह पहला मामला नहीं जब मुख्तार की केस डायरी से कोई दस्तावेज गायब हुआ हो। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दूसरी प्रति तलब की है। 19 जून को अभियोजन अधिकारी ने एक हस्तलिखित लैब रिपोर्ट की प्रति कोर्ट में प्रस्तुत की, साथ ही कोर्ट के संज्ञान लेने की अपील की। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। मामला 1990 में गाजीपुर सदर कोतवाली में दर्ज है। इसमें मुख्तार अंसारी और सशस्त्र लिपिक सहित अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में मुख्तार की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। अब गवाही के बाद केस जजमेंट की ओर जा रहा है। केस दर्ज होने के बाद अधिकारियों के हस्ताक्षर की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ में हुई थी। 1993 में जांच की हस्तलिखित लैब रिपोर्ट यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट केस डायरी में शामिल की गई थी, जो पिछले दिनों लापता हो गई। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।